नमस्कार, मैं नेहा खान स्वागत करती हूं आपका जीएन भारत में। और इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के रेलवे स्टेशन के समक्ष, जहां पे आप देख सकते हैं लोगों की काफ़ी संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है। हम लोगों से जानेंगे यहां पे कि बढ़ती महंगाई को लेकर लोगों पर क्या गुजरेगी, क्या कुछ बीतेगी, और काफ़ी ज़्यादा महंगाई की मार से जनता जो है काफ़ी ज़्यादा त्रस्त नज़र आ रही है, जिसको लेकर के उन लोगों का लगातार विरोध प्रदर्शन भी जारी रहा है। वहीं कहीं ना कहीं अब अप्रैल से भी नई बजट जो है लागू हो जाएगी, और लोगों से भी जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। हालाँकि मैं आपको बता दूँ कि दूध की जो कीमत है 3 रुपये बढ़ा दी गई है। वहीं हम लोगों से उनके ओपिनियन जानेंगे, उनकी राय जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। मैम, आप एक घरेलू महिला है, महंगाई जो है अब चरम सीमा पे चली गई है, अब दूध की भी कीमत जो बढ़ती नजर आ रही है, कितना फर्क पड़ेगा? बोलूंगी, आप एक महिला है, कितना फर्क पड़ेगा? बच्चों को दूध की जरूरत पड़ती है, 3 रुपये बढ़ गया है। हाँ, बढ़ गया है, महंगाई तो अब बहुत ज्यादा ही बढ़ रही है, हर चीज पे महंगाई है, दूध को लेकर तो बहुत ही ज्यादा है। उस पे अब क्या करें, आम आदमी तो अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं पाएगा। कहने के गैस सिलेंडर सब सब कुछ महंगा है, जिसका जैसा है वो। घर की महिलाओं को कितना फ़र्क पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा बचा के चलती है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब तो जो बचत है वो तो मुश्किल ही औरत बचा पाएगी जी। क्या लगता है कि इसमें कम होना चाहिए, बढ़ोतरी कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्या लगता है, सरकार आम जनता की खून चूसने का काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है भाई, इतना तो बजट में रह के दूध भी हर चीज़ें, घर की सामानों पे तो हर चीज़ पे महंगाई हो रही है। तो मैं तो यही कहूँगी सरकार से कि थोड़ा हर चीज़ पे रेट कम होना चाहिए, मैक्सिमम घर की चीज़ों पे तो बिल्कुल। बस इतना ही। किस तरह से बचा के चलती हैं आप घर की चीज़ों को? हर छोटी मोटी चीज़ों पे बचाते हैं, जैसे अपना राशन पे बचाते हैं, दूध पे भी है। अब क्या कुछ भी नहीं बचा पाएंगे, महंगाई इतना है, बच्चों को तीन को पालना करना हर किसी को भारी पड़ रहा है, क्या करें। अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम सोनिका सरोही है, मैं फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ जी। हमारे साथ और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। भैया, महंगाई लगातार बढ़ रही है, चरम सीमा पर है भैया महंगाई। देखो, मैं कुछ वैसे बात तो बोलना नहीं चाहता, बट महंगाई तो बहुत ज़्यादा ही हो रही है। घर चलाना कितना मुश्किल, बहुत ज़्यादा। अभी अभी हम युवा बेरोजगार है, हम भी युवा ही है, हमें भी पता है कैसे चल रहा है, एक हर चीज़ को देख के चलना होता है। अभी मैं 2 दिन पहले ही आया था, प्राइवेट जॉब करता हूँ यहाँ पे जी। सिस्टर के पास पहले कि 10-10 दिन रह के चले जाते थे, अभी क्या है 2 दिन में वापसी कर रहा हूँ, कि महंगाई है, कमाना जब तो कुछ खाएंगे, तो महंगाई है तो इसलिए जा रहा हूँ जल्दी। महंगाई की वजह से जाना पड़ रहा है आपको? 2 दिन में बेरोजगार है, महंगाई चरम सीमा पर है, कहीं ना कहीं युवा भी है, सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि हमें भी सरकारी नौकरी दे, ताकि हम अपना गुजर बसर काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर पाए। वहीं कहीं ना कहीं नियोजन नीति को भी लेकर के काफ़ी मार हो जाता है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो अब महंगाई भी है इतना। तो बजट भी देख रहे हो, अभी बजट पास हुआ है, आप भी देख रहे हो, सब देख रहे हैं कि बजट कैसा पास हुआ है। ये सरकार है, देखो डबल इंजन की सरकार है, बट वो अपना पूरा नहीं कर पा रही वादे, बस इतना ही कहते हैं कि थोड़ा कंट्रोल हो तो बेटर है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सन्नी। सन्नी कहाँ से है? यूपी से। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका, नाम क्या है? भागवत महतो। क्या करते हैं आप? पोटर है, कूली है। आप एक कूली है, घर चलाना कितना मुश्किल होता है इतना महंगाई में? अभी तो बहुत मुश्किल हो गया है, हम लोग को तो और मुश्किल हो गया, एस्केलेटर लग गया, लिफ्ट लग गया, ट्रॉली बैग हो गया, अब इसके कारण हम लोग को कोई सामान देता नहीं है पैसेंजर। घर का राशन भी महंगा हो गया, कितना मुश्किल होता है घर का राशन लाना? बहुत बहुत महंगा हो गया, 2-4 बच्चा है, उसमें भी पढ़ाना लिखाना बड़ी कठिन हो गया है, वो भी सरकारी स्कूल से पढ़ा लिखा रहे हैं, किसी तरह से जीवन अर्पित कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में ढंग की पढ़ाई नहीं होती है? ना, ढंग की तो नहीं पढ़ाई हो रहा है, लेकिन क्या करें। तो क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? सरकार से हम लोग को तो आधा को नौकरी मिला था, आधा को नहीं दिया है। नहीं दिया है ना। आप यहाँ नौकरी करते हैं? हाँ। कितना आपका तनख्वाह कितना आता है? तनख्वाह थोड़े है, हम लोग पैसेंजर द्वारा कमाते हैं। पैसेंजर के द्वारा? हाँ, पैसेंजर जो ट्रॉली बैग देगा तो उसमें भी तो आपका आने जाने का रेट बढ़ गया है, भाड़ा ये कहा जाए जो, वो बढ़ गया है? नहीं बढ़ा, कहाँ भी लिस्ट कहाँ टंगा हुआ है? नहीं बढ़ा ना, वो बहुत पहले का लिस्ट है, वही अनुसार हम लोग अभी चल रहे हैं। चल रहे हैं? हाँ, उसी से चल रहे हैं, हम लोग को कौन देखने वाला है।
तो जैसा कि आपने सुना कि महंगाई जो है, महंगाई की मार से जनता जो है काफ़ी ज़्यादा त्रस्त नज़र आ रही है, और वहीं कहीं ना कहीं सरकार से इतना गुहार लगाती है कि उन पे जो महंगाई है वो कम हो जाए, और कहीं ना कहीं जो है तेल हो या फिर गैस हो, सिलेंडर हो या किसी भी चीज़ पे हो, लगातार महंगाई बढ़ने की वजह से जनता जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हमारे साथ एक युवा मौजूद है, मुझसे जानेंगे कहाँ से आए हैं आप? मैं रांची से आया हूँ, मैं एक छात्र हूँ नेशनल यूनिवर्सिटी रांची से। छात्र है आप एक छात्र, कहीं ना कहीं आप रोजगार की तलाश में रहते होंगे हमेशा, रोजगार तो मिला नहीं होगा अभी आपको, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सुने होंगे आपकी महंगाई जो भी फिर से बढ़ गई, अप्रैल से फिर से बढ़ जाएगी, कितना मुसीबत होगा? मुसीबत तो होगा, मगर महंगाई के लिए सरकार भी कुछ कर रही है। जैसे कि इस बार हम जब बजट देख रहे थे तो उसमें टैक्स स्लैब बढ़ाया गया है, उसमें हमको लगता है कि टैक्स स्लैब जो बढ़ाया गया कि कहीं कहीं ना हम लोगों को, जो इनकम जिनका कम है, कहीं ना कहीं हम लोगों को एक फ़ायदा देगा। और उसमें कुछ जो पुराना टैक्स स्लैब था वो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए ख़राब था, और इस नया टैक्स स्लैब अच्छा है, ये मेरा हिसाब से, मेरा मानना है। टैक्स भी तो जनता ही का गिरती है, अगर महंगाई बढ़ जाएगा तो जनता अपना पैसा निकालेगी कैसे टैक्स भरने के लिए? तो टैक्स जो हम लोग का टैक्स कटता है वो सरकार हम लोग के लिए देते हैं। जैसे कि इस बार जो कोरोना वायरस आया, महामारी आया, तो उसमें जो वैक्सीन आया, वो वैक्सीन जो फ्री में दिया गया वो फ्री में नहीं था, हम लोग मानना चाहिए वो फ्री में नहीं था, जो हमारा टैक्स का पैसा जो हम लोग दे रहे हैं वही एक हिसाब से हम लोग घूम घूम के हमारा ही पास वापस आया। ठीक है भैया, वो तो लेकिन गरीब आदमी के जेब से भी तो टैक्स कटता है, तो वो टैक्स का पैसा कहाँ से दे? टैक्स जो कमाता वही टैक्स देता है, जो नहीं कमाता वो टैक्स नहीं देता है, सिंपल यही है, हम कमाएंगे तो टैक्स देंगे। हाँ, तो महंगाई बताइए तो फिर जो अन्य लोग हैं वो लोग क्या करेंगे महंगाई से? महंगाई किनके लिए होता है? महंगाई सबके लिए होता है हम जानते हैं, लेकिन जो कमाते हैं उनको महंगाई लगता है, जो नहीं कमाते हैं वो तो सहेंगे जी। नहीं भैया, यहाँ पे और भी लोग हैं जिनसे हमने बात की, यहाँ पे गृहिणी लोग थी, जो घर की महिलाएं थी, उनसे भी हमने बात की, उनका कहना है कि काफ़ी महंगाई बढ़ गई और जिनको घर चलाना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। घर की महिलाओं का कहना है कि राशन पानी हमेशा बचा के चल रही है, वो इतनी महंगाई बढ़ गई है। हाँ, हर एक चीज़ का महंगाई बढ़ रहा है, जैसे कि 2020 से ही हर एक चीज़ का महंगाई बढ़ रही है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पता नहीं इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, लेकिन महंगाई अनअकाउंटेबली बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। क्या लगता है इस पर सरकार को क्या निर्णय लेना चाहिए? निर्णय को ना कुछ एक बेसिक इंग्रेडिएंट होता है जो एक इंसान को डेली चाहिए, वो सब चीज़ को ना थोड़ा सा देखना चाहिए। जैसे एक बेसिक इंग्रेडिएंट होता है आदमी को जीवन यापन करने के लिए, वो सब में टैक्स या महंगाई थोड़ा कम करना चाहिए। जैसे कि अब एक इंसान को जीने के लिए AC का ज़रूरत नहीं है, उसमें टैक्स अब लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नाम प्रीतम कुमार है, हम थर्ड ईयर के लॉ स्टूडेंट हैं फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची। तो जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि सरकार को उस पर लगाम कसने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं गरीबों का भी हाल देखना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का हाल ही काफ़ी ज़्यादा बेहाल नज़र आता है। ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे जीएन भारत के साथ। जीएन भारत से नेहा खान की रिपोर्ट। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।